आज की इस रिएक्शन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग जितने भी कमेंट्स करते हैं तारिक जमील जी के बयान से रिलेटेड कि इस वाले बयान पर आप रिएक्ट करिए या फिर इस बयान पर रिएक्ट करिए, तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक बयान पर रिएक्ट करने की। बस आप एक दो दिन का इंतज़ार करा करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। कहीं कारण बस अगर छूट भी जाता है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए, आगे कहीं ना कहीं मैं उसको कवर कर लूँगा, है ना। और आपने, आपको पता है जितने आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग को पता है मैंने कई सारे वीडियोस आपके जो कमेंट्स करते हैं मैंने उन पर वीडियो बनाए हैं, और मैं इस वजह से हर वीडियो में कहता भी हूँ कि आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो वीडियो अच्छा लगता है मैं ज़्यादातर सभी वीडियोज पर, वैसे जो आप बताते हैं उन पर रिएक्ट करता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मौलाना तारिक जमील जी का बयान है, गुनाहों से तौबा कैसे करें। आज हम इसी पर रिएक्ट करने वाले हैं। और मैंने आपसे बार बार बोला है कि स्पिरिचुअल वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं उन वीडियोस को आप पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर हम पूरा नहीं देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। समझ रहे ना इस बात को? ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी साथ बैठ कर रिएक्ट करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। गुनाहों से तौबा कैसे करें, मौलाना तारिक जमील का लेटेस्ट बयान। चलिए, हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में, फिर एक इबादत गुजार से पूछा 99 कत्ल हो चुके हैं, तौबा होगी का नहीं होगी? उन्होंने कहा उसे भी कत्ल कर दिया। सो फिर एक आलिम से पूछा 100 कत्ल किए हैं, तौबा होगी? का बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, तौबा पक्की हो, ये शहर गंदा है ये छोड़ दे, वो शहर नेक लोगों का है, वहां जाके आबाद हो जा, माफ। कहने के मुझे माफी मिल जाए मैं हर से छोड़ दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ, तो वो यूं गिरा, उसके हाथ यूं और पांव यूं गिरा। तो अल्लाह ताला ने ये किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया, दोजख का भी आ गया। दोजख का फरिश्ता कहने लगा, हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे, जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान हम ले जाएंगे, जहन्नम का फरिश्ता तौबा नहीं की हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे, जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान तौबा कर चुका है घर से निकल पड़ा है हम ले जाएंगे, जहन्नम का फरिश्ता अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं है हमारा मुजरिम है, जन्नत का फरिश्ता पहुंचना जरूरी नहीं है, तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ भाई इनमें फैसला करो। क्या फैसला करो? ये उसकी मैयत पड़ी हुई है, ये नेक लोगों की बस्ती है, ये इसकी अपनी बस्ती है, फासला नापो, अगर अपने घर के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों के घर बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। जैसे ये माइक इस साइड के करीब है, इस साइड से दूर है, ये यहां गिरा पड़ा पानी, ये यहां गिरा पड़ा था, घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ने इधर की जमीन को कहा सुकड़ जा और घर की तरफ की जमीन को कहा फैल जा। जब पैमाइश हुई तो अपने गांव से दूर और नेक लोगों के गांव के करीब हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया चलो हमारा मेहमान है जन्नत। तौबा से ना घबराओ, मेरा रब कहता है पूरी धरती गुनाहों से भर दे और आसमान तक गुनाहों को ले जा, एक दफा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा तो सारे माफ कर दूंगा। तो भाइयों, हाथ जोड़ता हूं, आओ हम तौबा करें। नियत करते हो हुकूमतों से आस आस भी हटा दो, गिला हुकूमतों का गिला भी ना करो, उससे क्या फायदा होगा? उन पे उम्मीद ना लगाओ कि वो इस काबिल ही नहीं, हाँ उस पे आस लगाओ जो शारख से ज्यादा करीब है, उसको वसीला बनाओ जिसका वसीला रब मोड़ता नहीं, कलमे का जुज बनाया हुआ है। मेराज पे जब आप गए तो आपने पूछा या अल्लाह
इब्राहिम आपके खलील, मूसा आपके कलीम, दाऊद के लिए लोहा नरम, सुलेमान के लिए हवा ताबे और ईसा के लिए मुर्दा जिंदा, तो मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन दालिका कुल्ले, ए मेरे हबीब तेरे लिए सबसे आला सबसे आला सबसे आला क्या या ला क्या कब ये है कि अल्लाह दुकर तो इल्ला दुकर तमई, क्यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। जैसे तेरे रब का नाम बाकी है, तेरे नबी का नाम भी बाकी रहेगा, तेरी नस्ल का नाम भी बाकी रहेगा, तेरा हसब नसब भी बाकी रहेगा। हमें पता नहीं हमारा नबी था कौन, हमारा नबी कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनके घर का कैसा था निजाम, बाहर का कैसा, जानते नहीं हम। सीखो सीखो अपने हबीब की मुआशरत सीखो, तिजारत सीखो। आप ताकत में आए तो आपने क्या किया, आप ताजर बन के आए तो आपने क्या किया, आप खामिन बने तो आपने क्या किया, आप बाप बने तो आपने क्या किया, आप जंग में आए तो आपने क्या किया, आपने हथियार उठाए तो आपने क्या किया, आपने सुलह की तो आपने क्या किया, आप मुसल्ले पर आए तो आपने क्या किया, आपकी रात आई तो आपने क्या किया। सीखो सीखो, यही तबलीग का पैगाम है कि तबलीग में निकल कर अल्लाह उसके रसूल की मुबारक और प्यारी जिंदगी मरने से पहले पहले सीखो। लेकिन आज की रात में एक हाँ मेरे साथ करो, आज तौबा करो, आज तौबा करो। करते हो? करते हो? करते हो तौबा? करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब अगर तुमने दिल से कही है और अंदर मसरात हैं उन्होंने दिल से कहा है तो तुम्हें मुबारक हो, तुम सब ऐसे हो जैसे आज माँ के पेट से जन्म लिया है, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो गए, अल्लाह खुश हो गया, फरिश्ते खुश हो गए, जन्नत सज धज गई, जन्नत की हूरें तुम्हें देख देख के खुश हो रही हैं। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं उसकी रहमत के दावे पर कह रहा हूँ, आज यहाँ जितना बड़े से बड़ा गुनाहगार बैठा है मैं दावा करता हूँ, अगर उसने दिल से इस शर्त के साथ दिल से तौबा की है तो जा जा तुझे मुबारक है, तेरी जिंदगी का आज पहला दिन है, तू आज माँ के पेट से निकले है, तेरे सब माफ हैं। हाँ फर्ज छोड़े थे, पता करो उलमा से कैसे करूं, गुनाह माफ हो गया, हक मारे थे गुनाह माफ हो गया, पता करो उलमा से अदा कैसे करूं। अगर ये तौबा पक्की हो गई तो मुबारक हो, अगर हमारे मुल्क का 50% मुसलमान तौबा कर जाए तो सारे देश की तकदीर बदल जाएगी। तो पक्की तौबा करते हो? और एक और खुशखबरी, अगर ये तौबा टूट भी जाए तो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना। किसी से रूठे हो उसे मना लो, माँ बाप से नाराजगी है पाँव पड़ जाओ, बीवी को से नाराज हो पाँव पड़ जाओ, बीवी नाराज है खामिंद के पाँव पड़ जाए। सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह को मियाँ बीवी की सुलह पर होती है, मियाँ बीवी लड़े हुए हों और आपस में सुलह कर लें तो इस पर अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है कि दो मियां बीवी आपस में लड़ पड़े, कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। अपनी औलाद के लिए हलाल कमाओ, हलाल छोड़ के जाओ, हराम छोड़ के ना मरो, कि सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे, सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे। तो नियत करते हो सारे भाई एक दूसरे को माफ करो, और जो हमारे भाई जराइम में गिरफ्तार हैं उनके लिए भी दुआ करो, मेरे नबी के उम्मती हैं, दुआ करो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चों को अगर वो छोटे हैं, हमारे बड़ों का अगर वो हमारे उम्र हैं, अल्लाह उनके हाथों से जुल्म की बजाय अदल करवाए, अल्लाह उनके हाथों से तबाही की बजाय आबादी उनके हाथों से करवाए, और अल्लाह ताला उनको भी तौबा की तौफीक दे। वो भी हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको जहन्नम की आग से बचा ले। दुरूद शरीफ पढ़ो, اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره انك اهل التقوى واهل المغفره اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے
اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنے تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے، میرے مولا اے میرے رب آج ہماری سن، تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سناتے ہیں، اے میرے رب اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سام بچھوں سے بچا، آپ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما، اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما، یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نحال فرما، یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا ہو جا ہو جا، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں، آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے، آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے، ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیش کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ جو کہہ نا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا، تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ یا اللہ، ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو گیا، یہ ہے قدموں میں دل سے مانگی ہوئی مانگی وغیرہ یہ ہوتی ہیں، دل دہل گیا میرا بھی، ہمارے اللہ، ہمارے اللہ، ہمارے اللہ، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا تھا، وہ بات یہ ہے، ہم نے اس ویڈیو کو دیکھا گناہوں سے توبہ کیسے کریں، مطلب کہ جو لوگ گناہ کر دیتے ہیں، غلطیاں کر دیتے ہیں، ان کو معافی کے لائق کیسے بنایا جائے، تو وہ باتیں ہم نے تارک جمیل جی سے جان لی، لیکن میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر جتنے بھی انسان ہیں ان کو بس ایک کام کرنا چاہیے کہ انسانیت کو اپنی چھوڑنا نہیں چاہیے، اگر ایک انسان اپنی انسانیت کو نہیں چھوڑے گا تو وہ اپنے انسانیت مطلب جینے کا تجربہ، آخر وہ دھرتی پر کرنے کیا آیا ہے، سب چیز وہ جان جائے گا اور کبھی بھی جیون میں اس کو تکلیف نہیں آئے گی۔
इस छोटी सी बात से अगर आप कुछ भी समझे हो तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे आपको एक और नई और बेहतरीन रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।